Assalamualaikum, welcome back to my channel. मेरा नाम है सैयद इस्नान अली, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज है 28 अगस्त और पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ मैंने जानना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे पाकिस्तान के, क्योंकि शाहीन अफरीदी नहीं है, लेफ्ट आर्म बॉलर वही था और अभी वो पता नहीं उनका नाम नसीम था शायद, वही सर वही अच्छे मुझे बॉलर लागे हैं, शायद उनकी वजह से हम जीत जाए। तो मेरा पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर है शाहीन अफरीदी। वहाँ मैं मैच पे गया था, वहाँ थे लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, नहीं तो मैंने ऑटोग्राफ लेना था। ये मैं पूरा ग्रीन हो के आया हूँ पाकिस्तान, और मेरे पास एक और शर्ट थी जो मैं मैच में पहन के गया था, अगर वो होगी तो मैं अभी पहनूंगा, ढूंढूंगा और अगर मिलती है तो मैं पहन लूँगा। तो अभी टाइम हुआ है 1:58 और अभी तक 2 तो बजने लगे हैं, तो अभी 4 बजे यहाँ शुरू होने हैं और पाकिस्तान में 7 बजे शुरू होने हैं। तो जैसे कि आपको पता था मैं नीदरलैंड और पाकिस्तान का मैच देखने गया था, तो मैंने वहाँ ऑटोग्राफ लिए, इस पर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम है साइन है, ये फरजमान, ये ज़ाहिर महमूद, ये और ये नसीम शाह, सॉरी सलमान आगा, और ये हारिस राव, तो ये सारे हैं। और एक और प्लेयर था नीदरलैंड का, वो इन सबसे अच्छा था, वो था प्रिंगल, उसने स्माइल करके फोटो बनवाई है, बहुत अच्छा प्लेयर था, बॉलर था और बहुत उसने आउट भी किए थे शायद, और बहुत वो फील्डिंग ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने वहाँ जाके फ़ोटो और ऑटोग्राफ दोनों ले लिया। वो पता नहीं ऑटोग्राफ किसी टिकट पे है वो मैच की, और वो पता नहीं किधर है, तो अभी इंतज़ार करते हैं जब मैच शुरू होगा और आपको दिखाएंगे। तो ये बज रहे हैं 2:45 और मैं थोड़ी देर में शुरू होने लगा है, और आज मैंने आपको एक मैच दिखाना है, मेरा दिल कर रहा है कपड़े बदल लूँ और मैं ये वाली शर्ट पहन लूँ, तो एक छोटा सा मैजिक करते हैं। तो अभी मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान वाली टीम के कपड़े पहन लिए। तो ये मेरा सेटअप, और यहाँ मेरे नीचे कैलेंडर हुआ है, और यहाँ कुशा रखवाए हैं, और इसकी सोफे की हालत थोड़ी ठीक की है, और ऊपर थोड़े से 2 कुशन रख दिए हैं, और बेबो का मैंने यहाँ रखा हुआ पिंजरा, क्योंकि फिर ये ना कोने पड़ा हो तो हमें नज़र आता रहे, तो इसलिए टेबल पर रख दिया। मिठू यहाँ है, और ये सामने टीवी यहाँ लगेगा, और यहाँ अगर हमें अंधेरा करना हो तो हम पर्दे आगे कर लेंगे, और फिर आराम से खाते हुए मैच देखेंगे। तो अभी मैच जब मैच शुरू होगा आपको दिखाएंगे। तो अभी टॉस हुआ है और इंडिया मैच टॉस जीत गई है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता उन्होंने कहा था कि वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनकी इतने अच्छे नहीं है बॉलिंग करने में, क्योंकि अफरीदी हैं और भी प्लेयर अभी तक ठीक नहीं। तो अभी पता नहीं कौन जीतेगा, और अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ऑल टीम आउट ऑफ थ्री आउट ही रही है, लेकिन जो आखिरी पे धानी ने छक्के मारे हैं मजा आ गया। अभी पाकिस्तान ने इंडिया को 147 का टारगेट दिया, और
मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी देखा जाएगा क्या होगा। कोहली किया जो इतने छोके छके मारा था। तो जैसे कि सारे लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बॉलिंग अच्छी थी और फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग में जो आखिरी ओवर में जो मोहम्मद नवाज़ ने विकेट लिया ना, ऐसे लग रहा था बाजी पड़ेगी कि वो जीत जाएगा पाकिस्तान, लेकिन आखिरी में आके सिर्फ दो बॉलों से वो हार गए। तो ऐसे और मैच अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे कोई और ऐसे वीडियो बनाऊं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगर कोई और स्टेडियम वाला पास हुआ तो हम वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये तो दुबई में था, अभी इतनी जल्दी जाने तो नहीं होता। तो वहाँ हमारा कोई है भी नहीं, अगर रिश्तेदार पापा का दोस्त तो वहाँ थोड़ा होता है। तो ये आप सोच रहे होंगे मैं पाकिस्तान था ग्रीन और अभी मैं इंडिया के साथ हो गया हूँ, ये ऐसा कि मैं बीच में नहाने चला गया था क्योंकि कैमरा मैन ने मेरे ऊपर पूरा गिरा दिया था, क्या कहते हैं सालन, तो मुझे पूरा ऑयल हो गया था मेरे बाल, तो मुझे जाके नहाना पड़े और मामा ने यही कपड़े दे दिए तो मुझे यही पहनने पड़े। तो अभी उम्मीद करता हूँ आपको आज का पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो और सब्सक्राइबर बढ़ाएं और इन वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। जैसे वो स्टेडियम वाली है उसमें 1000 व्यूज़ हो चुके हैं और 1400 कुछ हो गया था। तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा व्यूज़ दिए और सब्सक्राइब भी करना है, इतने ज़्यादा व्यूज़ करवा दिए तो उतने ही सब्सक्राइबर करवा दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक बात कह दूँ, ये सारा कुछ पता है किसकी वजह से हुआ, अगर शाहीन अफरीदी ना, अगर उसे इंजरी ना होती तो हमें ये मैच कम्प्लीट जीत जाना था, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर है। एक ना वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें पूरी शायद पूरी नहीं आधी सी वीडियो इंडिया की टीम से मिले हैं शाहीन अफरीदी और वहाँ सारे मिल रहे थे, और जो विराट कोहली था हंस करके जब वो मिले हैं उन्होंने बताया इंजरी हो गई है, उसके मुंह पे ना थोड़ी हंसी आ रही थी। आपने वो देखा, वो शॉर्ट में भी आता है और एक वीडियो भी है ऐसे, वो कहते हैं इंजरी हो गई है और विराट कोहली जिसने फुल रेड हुआ इंडिया का सूट, हेयर पॉट लगाए हुए, दाढ़ी, वो इतना सब मजा आ रहा था।